नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। वैष्णो देवी तीर्थस्थल के करीब त्रिकुटा के जंगलों में आग। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा की पहाड़ियों के जंगलों में लगी आग मां वैष्णो देवी तीर्थस्थल के करीब 1.5 किलोमीटर दूर तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। श्री माता वैष्णो देवी तीर्थस्थल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत साहू ने बताया कि आग से यात्रा और हेलीकॉप्टर सेवा पर कोई असर नहीं पड़ा है, यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। साहू ने बताया कि 16 तारीख की रात में लगी आग ने अब तक 150 हेक्टेयर वन क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आज आग पर काबू पा लिया जाएगा। लगभग 200 कर्मी आग बुझाने के काम में लगे हैं। आईएस को बड़ा झटका, इराक में नहीं मिलेगी सीरिया के रास्ते मदद। इराक की सेना ने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ शुरू किए गए नए अभियान के तहत मंगलवार को सुदूर पश्चिमी शहर रुतबा में प्रवेश किया। सेना के प्रवक्ता सबा अल नुमान ने बताया कि अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के समर्थन में आतंकवादी सेना शहर में दक्षिणी ओर से घुसी और अल इंतिहासार जिले पर नियंत्रण भी स्थापित कर लिया। उन्होंने आज सुबह तक शहर के केंद्र में पहुंचने की उम्मीद जताई। नुमान ने कहा कि सेना को शहर में घुसने में मामूली प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इस शहर से आईएस का कब्जा समाप्त करने से उसे सीरिया के रास्ते मिलने वाली मदद बंद हो जाएगी। मानचित्र पर कानून, भारत का आंतरिक मामला। भारत ने भारतीय मानचित्र के गलत चित्रण के विरुद्ध लाए जा रहे प्रस्तावित कानून के मुद्दे पर पाकिस्तान की आपत्ति व इसे संयुक्त राष्ट्र में उठाने की तीखी आलोचना की है और कहा है कि यह भारत का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी एक बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि प्रस्तावित जियो स्पेशियस इन्फॉर्मेशन विनियम विधेयक भारत का पूर्णतः आंतरिक मामला है, क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। पाक को इस मुद्दे पर कुछ भी कहने का कोई हक नहीं। उन्होंने कहा कि भारत को ऐसे किसी भी मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं लगती जो दोनों देश द्विपक्षीय ढंग से सुलझा सकते हैं।